Kirorimal. Kanjoos. Kirorimal. वहां जाने के बाद जब वह दुकानदार से पूछता है कि एक
पाँच रुपये दूंगा। तो दुकानदार बोलता है कि आप आगे एक मील और चले जाओ, वहाँ पर समुंदर का किनारा है। फिर सेठ क्या करता है, वहाँ जाकर दुकान वालों से पूछता है कि नारियल का क्या भाव है। तो उससे क्या कहते हैं दुकानदार वाले, क्या कहते हैं कि नारियल 5 रुपये का है। तो फिर क्या कहता है, नहीं मैं तो इसको 2 रुपये में लूँगा। तो दुकानदार वाला बोलता है कि यहाँ नारियल के इतने पेड़ हैं, किसी पे भी चढ़ जाओ और नारियल तोड़ दो। तो फिर क्या करता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ यही ठीक है। सेठ जी ने खुद खुश होकर कहा, झटपट एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। सेठ जी ने खुश होकर कहा कि यही ठीक है, मैं खुद ही तोड़ लेता हूँ। नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। क्रोडिमल ने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया पर साथ ही उनके पैर की हड्डी टूट गई। क्रोडिमल नारियल सही धड़ाम से नीचे आ गए, उनके पैर की हड्डी टूट गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले गए, ले जाए गए। डॉक्टर ने अपनी फीस 5,000 रुपये वसूल की। इस तरह एक नारियल सेठ जी को 5,000 रुपये खर्च करके मिला। क्या था कि एक नारियल जहाँ सेठ जी को 10 रुपये में मिल रहा था, वह उसको 8 रुपये में लेना चाहता था। तब 8 रुपये में मिला तो वह 5 रुपये में लेना चाहता था। जब उसको 5 में मिला तो वह बिल्कुल ही फ्री में लेना चाहता था। तो क्या हुआ, वह पेड़ पर चढ़ गए और नारियल तोड़ने लगे। नारियल तोड़ तो लिया, जैसे ही उन्होंने पेड़ नीचे गिरा तो उसमें वह खुद भी गिर गए और पैर की हड्डी टूट गई। नंबर 2 है हमारा
नंबर तीन है हमारा अनसुना, नंबर चार है हमारा मीन।
आप सभी इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे सुंदर में साफ शब्दों में। हमारा है सबसे पहला शब्द है चमड़ी। चमड़ी का अर्थ है खाल। फिर हमारा दूसरा शब्द है दमड़ी। दमड़ी को क्या बोलते हैं? पैसा। तो क्या हुआ? इसका अर्थ पैसा। आगे है अनसुना। अनसुने का अर्थ ध्यान न देना। ध्यान न देना। आगे है मन मारकर। उसका अर्थ लिखेंगे लाचार होकर। लाचार होकर। फिर है मील। मील है दूरी की माप। दूरी की माप। हमारा छठा कुछ अर्थ शब्द है खर्च। खर्च का अर्थ है नुकसान। नुकसान। आगे है अर्थ है मेहनताना। फीस का अर्थ है मेहनताना। आगे है वसूल करना। वसूल करने का अर्थ है लेना। क्या है? लेना। आप सभी इसको अपनी कॉपी में लिखें। सभी बच्चे ध्यान से लिखें, गलती ना करें। हमने पाठ को पढ़ा था, उसके कठिन शब्द किए थे। ये शब्दार्थ हैं, इनको हमें याद करना है और कॉपी में भी लिखना है। सभी को पाठ को भी रीड करना है, कठिन शब्द भी याद करने हैं और कॉपी में लिखने हैं, और शब्दार्थों को भी याद करना और कॉपी में लिखना है। बच्चों ने लिख लिए।